चौधरी साहब हम खुद जूस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चौधरी साहब हम खुद के ऊपर सवाल करें ना। चौधरी साहब सवाल अपनी जिसमें मर्जी करना, ये हमारी मर्जी है, जवाब आपने देना है। आप माशाल्लाह बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आपको इंशाल्लाह जूस पिलाते हैं, ठंडा सा जूस मैं अपनी टीम से कहूंगा जो आपके इलाके की है। हमारी तरफ से स्पेशल कोई ठंडा जूस, कोई लस्सी जिससे आपका मूड थोड़ा बेहतर हो। अच्छा अब ये बता दें सर, मेरा मूड सही है, मेरा मूड आपके सवाल ने खराब किया। आपने तीसरी दफा मेरे साथ ऐसे किया। चौधरी साहब प्रोग्राम, चौधरी साहब आपका मूड फ्रेश करते हैं। चौधरी साहब बसद एहतराम, हमने तो सर बड़े डिसेंट वे में सवाल किया। आप कभी हमें चमचागीर कह देते हैं, कभी आप कह देते हैं कि हम पता नहीं क्या। अच्छा अभी तो आपने सवाल किया नवाज शरीफ का, मैंने आपको जवाब दिया नवाज शरीफ का। अब मैंने उनके इकबाल की, आप फौरन आ गए महंगाई के ऊपर। ना है सर चौधरी साहब, नहीं महंगाई में ना है। आप अपने तीनों प्रोग्राम निकाल के देखे, अगर मैं गलत कर कह रहा हूँ तो मैं माफ़ चाहूंगा। और फिर मैंने अपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर से पूछे जो मुझे कॉल करते हैं, मैंने उनसे कहा कि यार लड़के को बच्चे को कहो कि ऐसे ना किया करे, ऐसे नहीं करते। एक दफा ठीक है, आप दो तो तीन दफा नहीं प्रोग्राम में कर सकते। आप सुबह सुबह एक अच्छा दिन गुजारें। अभी तो आपने नवाज शरीफ की तैयारियों पे अपना पूरा हिस्सा डालना है। अगर आप फ्रेश रहेंगे तो ही आप भरपूर तरीके से। लाहौर आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं जलसे में? जी बिल्कुल लाहौर आ रहे हैं। बस आपने आना है ना, आपसे हमने स्पेशल मुलाकात करनी है, आपके साथ बैठ के खाना खाना है, आपके साथ एक सेशन रखना है। ऐसे ऐसे आपको नाराज नहीं करना। ये बात बहुत आगे निकल गई, अब आपके साथ खाने अब आपने लाहौर में हमारे मेहमान बनना है। चले ठीक है इंशाल्लाह। और मैं अर्जी करूं कि भाई मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के मोशन लीडर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी धमाके करके इस्तेकाम बख्शा, उन्होंने पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस एयरपोर्ट्स और जनाब पाकिस्तान को रोशन किया, उन्होंने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया। Absolutely. वो एक मोशन शख्स है, पूरी कौम को जो ये मैसेज जाना चाहिए कि हम जो है एहसान फरामोश कौम नहीं है, हम एहसान मानने वाले हैं। और नवाज शरीफ ने हमारे अगर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की खिदमत की है तो हम दिलो जान से उनका इस्तकबाल करेंगे, और हम उनके लिए जो है वो अपना दिल और आंखें जो है वो बिछाएंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शा, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। शिवाशिफ साहब को भी उनसे कुछ सीखने के अल्लाह तौफीक दे। शुक्रिया आपका चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब।